Good morning, students. In our last class, we have been studied about addition and subtraction of a rational number. Now today we will start the next two topics, multiplication and division. We will discuss only two topics today, multiplication and division. Multiplication and division are very easy, simple to multiply and divide. So first we will start multiplication. Now we multiply two numbers like this. 1 by 2 multiply 2 by 3. Multiplication में हम जो numerator है दोनों के numerator उन दोनों को multiply करेंगे और जो denominator है उनको multiply करेंगे. कैसे? 1 multiply 2 और 2 multiply 3. बहुत easy process है. 1 multiply 2 2 multiply 3 6. और यदि हम इसे और सिंपल फॉर्म में लाना चाहें तो 2 और 6 बोथ आर कैंसिल बाय 2, दोनों 2 से कैंसिल होते हैं. सो वी विल कैंसिल देम. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. सो आवर आंसर इज 1/3. तो कोई भी नंबर ऑफ को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर से कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दीजिए. और एक प्रोसेस और बताऊंगा मैं आपको इसके बाद में, इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद में इसी को मैं एक बार दोबारा बताऊंगा आपको करने का. यही क्वेश्चन बस इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, वो कंडीशन हमें वॉच करनी पड़ेगी, पहले देखना पड़ेगा. चलिए तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 और 2 सेम है, लेकिन सेम कैसे है, एक में वो न्यूमरेटर है दूसरे में वो डिनोमिनेटर है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिल कर दिया. अब यहाँ क्या बन गया, 1, यहाँ भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया. तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 3. ये है शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, हम ऐसे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट ये हुआ मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट है डिवीजन. डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट होता है, ठीक है. अब डिवीजन में क्या होगा, तो मान लीजिए आपका 2 बाय 3 डिवाइड बाय 3 बाय 2 by 3 divide by 3 by 2. इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो फर्स्ट रेशनल नंबर उसे आप एज इट इज नोट कर लीजिए, बट जो सेकंड रेशनल नंबर है उससे पहले आप एक तो साइन चेंज कर दीजिए, जो डिवाइड का साइन है उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए. और जो आगे वाला रेशनल नंबर है, जो सेकंड रेशनल नंबर है, वो तो फर्स्ट है आपका और ये सेकंड है. फर्स्ट रेशनल नंबर को एक चीज रहने दीजिए, सेकंड जो रेशनल नंबर है उसको आप क्या करेंगे, उसका इनवर्स लेंगे. इनवर्स होता है उसका उल्टा. उल्टा कैसे, जैसे आपका ये 3 बाई 2 है तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ 3 बाई 2 2 बाई 3. इनवर्स क्या होगा उसका, उल्टा कर दीजिए. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर बना देते हैं. ये हो गया इसका इनवर्स, इसे बोलते हैं इनवर्स. तो ये जो इनवर्स हमने लिया है उस इनवर्स को यहाँ पुट कर दीजिए. हम 3 बाई 2 नोट नहीं करेंगे, हम नोट करेंगे यहाँ 2 बाई 3. हो गया, अब ये प्रोसेस वापस सेम होगी और ये मल्टीप्लाई इस जैसे मल्टीप्लीकेशन ही हो गया, बस इसमें ये ऑपरेशन आपको करना है. तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3. 2 multiply 2, 4, 3 multiply 3, 9. तो ऐसे हम इनका जो division operation है उसको करते हैं. division में last में multiply ही करेंगे.
So students, today's work is solve example number 1 to 8 in your rough notebook. Okay? Or in our next class we will study about properties of rational number. So rational numbers की properties होती हैं, उनके बारे में हम study करेंगे. Okay? Thank you.